तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अगर अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान स्टेप्स आज मैं आप लोगों को बिल्कुल लेके आया हूँ, और बिल्कुल ये लेटेस्ट तरीका, बिल्कुल न्यू तरीका मैं यहाँ बिल्कुल आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले आप लोगों को अपने आधार में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए, यानी अपने आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आधार सेंटर पर विजिट करना पड़ता था, लेकिन आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ कि घर बैठे आप अपने आधार नंबर में, यानी घर बैठे आप अपने आधार से अपने मोबाइल नंबर को बहुत ही आसानी के साथ लिंक कर सकते हैं। आप अपने आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस के एक सर्विस रिक्वेस्ट वाले वेबसाइट पे यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ इस तरह का पेज आपके सामने खुल करके आ जाता है। इस पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से डायरेक्ट इस पोस्ट ऑफिस के इस सर्विस रिक्वेस्ट वाले पेज पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है, जो भी आपका पूरा नाम रहेगा वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी पूरा नाम है, पूरा नाम मैंने यहाँ डाल दिया है, और जो भी आपका पोस्टल एड्रेस होगा, यानी जो भी आधार कार्ड के पीछे आपके एड्रेस दिया है वो एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। चलिए यहाँ पे पिन कोड मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है, यानी जिस मोबाइल नंबर को आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेलेक्ट सर्विस दिया है, सेलेक्ट सर्विस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इस तरह से सर्विस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेल बुकिंग, मेल डिलीवरी, यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं IPPB आधार सर्विस जो दिया है, ये आधार सर्विस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब फिर से ऑप्शन है आपको कि आता है, यहाँ पे UID आई, चाइल्ड 0 से 5 ईयर आधार इनरोलमेंट, यानी 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए आधार इनरोलमेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ सेकेंड नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। आप अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक करने के लिए यहाँ पे देख दे UIDAI मोबाइल ईमेल टू आधार लिंकिंग अपडेट, तो इस सेकेंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मोबाइल नंबर, जो भी यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP रिसीव होगा, और OTP यहाँ पे डाल देना है। तो फिर देख सकते हैं, जो भी मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे दिया था उस मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव हो चुका है। OTP मैं यहाँ पे डाल दूंगा। 4 0 6 2 8 2 और यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव हुआ था OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इसको डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से रिक्वेस्ट आ जाता है कि रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट रेफरल नंबर आपको 4119614, ये आपको रेफरल नंबर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जो भी आपने रिक्वेस्ट यहाँ पे डाला है वो रिक्वेस्ट सबमिट हो गया। यहाँ पे मैं बिल्कुल आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, यह सर्विस पोस्ट ऑफिस के द्वारा, यानी इंडियन पोस्ट, यानी भारतीय डाक विभाग के द्वारा ये सर्विस, यानी इंडियन पोस्ट के द्वारा ये सर्विस शुरू किया गया है। और इस कंडीशन में होगा क्या, जो भी आपने रिक्वेस्ट सबमिट यहाँ पे सक्सेसफुली किए हैं, यहाँ पे क्लिक टू द योर रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आपने किया है, क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे करने के बाद देखिए, फिर से यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर आपको फिर से यहाँ पे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिर से डाल देना है, और यहाँ फिच दिया इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिए, आपका सीरियल नंबर ऑफिस दहिसर SO स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ जो भी पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का नाम दिया गया है और स्टेटस दहिसर दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल बता दूं कि इस सर्विस, ये भारत सरकार के द्वारा इस तरह का एक सर्विस चालू किया गया है, जो इंडियन पोस्ट के द्वारा चालू किया गया है।
यानी जैसे जैसे ही आप रिक्वेस्ट करेंगे अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर करने के लिए, यह रिक्वेस्ट आपका जो भी पोस्ट है उस पोस्ट में यह रिक्वेस्ट आपका सबमिट हो जाएगा। वहां से पोस्ट ऑफिस आपके पोस्टल एड्रेस पे आपके घर पे आएगा और बायोमेट्रिक के थ्रू आपका जो भी आधार नंबर है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके आधार से लिंक कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी मैं बिल्कुल आप लोगों को देने की कोशिश की है और ये बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल न्यू तरीका है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पोस्ट ऑफिस के द्वारा यानी पोस्ट के द्वारा यह सर्विस शुरू किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप अपना और यह जो भी रिक्वेस्ट रहेगा आपका एक हफ्ते के अंदर, आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा एक हफ्ते के अंदर आपके आधार से लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी बिल्कुल मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है और मैं जहाँ तक समझता हूँ बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद।